डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो जाती है। कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है जब ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आएं, तकलीफ़ें आएं, तभी इंसान को डिप्रेशन की बीमारी होती है। कई बार जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है, उनको भी डिप्रेशन की बीमारी आ जाती है। तो आइए समझते हैं इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इसके इलाज क्या हैं। डिप्रेशन अपने इनिशियल स्टेज में, मतलब अपने शुरुआती चरण में, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है। इसका सबसे पहला लक्षण तो ये है कि निराशा, उदासी। जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है, वो हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं, उन्हें कोई चीज़ खुश नहीं कर पाती है। थोड़ी देर के लिए निराश होना, उदास होना मनुष्य का स्वभाव है, वो प्राकृतिक है, लेकिन कोई इंसान अपनी निराशा से, अपनी उदासी से बाहर ही ना आ पाए तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। कोई खुशी का मौका, कोई खुशी की बात उसकी उदासी को दूर न कर पाए, उसकी निराशा का दूर न कर पाए, इसका मतलब उस इंसान को डिप्रेशन है। डिप्रेशन का एक दूसरा लक्षण ये है किसी काम में मन न लगना। जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, उन लोगों को किसी काम में मन नहीं लगता, ना घर के काम में, ना अपनी पढ़ाई में, ना अपनी नौकरी में, उनका किसी काम में मन नहीं लगता है। फिर ऐसे लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में अब खुशी मिलना खत्म सी हो गई है, ना अब हमें हमारे रिश्तों में खुशी मिलती है, ना काम में, ना पढ़ाई में, और ना ही घर पर खुशी मिलती है। इसका और एक लक्षण ये भी है, जिस इंसान को डिप्रेशन होता है, वो हमेशा खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती है, ना उसके मन में, ना उसके शरीर में, या तो ऐसे होता है कि उसे भूख लगना ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वजन गिरना शुरू हो जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से वो भी कुछ ज़्यादा ही खाते हैं और उनका वजन बढ़ने लगता है। डिप्रेशन का असर आपकी नींद पर भी पड़ता है। कई लोगों को ठीक से नींद ही नहीं आती है, बिस्तर पर लेटे हुए घंटों तक सो नहीं पाते, और नींद आने के बाद भी बार बार टूटती रहती है, चैन की, सुकून की नींद नहीं ले पाते हैं। अब ये डिप्रेशन होता क्यों है? इसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये है कि ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। और दूसरा कारण ये है, कई लोगों की ज़िंदगी में ना कुछ निगेटिव इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ दुखद घटना हो जाती है, कुछ के साथ बुरा हो जाता है, जिसको लेकर के उनका ज़िंदगी के लिए नज़रिया ही बदल जाता है। वो हर बात को निगेटिवली लेने लगते हैं, निगेटिवली सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अब इसका इलाज क्या है? इसका एक तो इलाज ये है, आप किसी मनोचिकित्सक के पास जाएं और कुछ मेडिटेशन लें, कुछ दवाइयां लें, जिससे आपके ब्रेन के केमिकल बैलेंस हो जाए, और आप उसे सही और इफेक्टली रास्ता नहीं मानते, और हम उसे सही और इफेक्टली रास्ता नहीं मानते। मैं आपको ये 7 बातें बता रहा हूँ, जिससे आप बिना मेडिटेशन के डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल सेट करें। जब भी आप रोज़ सुबह को उठें, तो वो गोल्स आपको ज़िंदगी जीने का मकसद दे, खुशी दे, और आप छोटे छोटे गोल चुनें। ऐसे गोल्स चुनें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकें, जिन्हें आप आसानी से मैनेज कर सकें, जो रियलिस्टिक हों, काल्पनिक ना हों। आप उन्हीं गोल्स को चुनिए जो आपके लिए आसान हो, और गोल्स को करने से आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जिससे आपकी मन की शांति बढ़ने लगती है। दूसरा तरीका यह है कि आप लोगों को सर्विस दें। जब आपकी वजह से लोगों को सर्विस मिलती है, तो कुछ बेनिफिट्स मिलता है, तब आपको खुद से प्यार होने लगता है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का मरीज खुद से प्यार नहीं करता, वो खुद को पसंद ही नहीं करता, लेकिन जब आपकी वजह से दूसरे लोगों की जिंदगियों में खुशियां आती हैं, बेनिफिट्स होता है, तो उससे आप
खुद को प्यार करने लगते हैं, आप खुद को अच्छा महसूस करने लगते हैं। और तीसरा काम आप ये करें कि दिन में कम से कम 30 मिनट आप ऐसे काम के लिए समय निकालें जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी हॉबी हो, चाहे म्यूजिक सुनना हो, चाहे म्यूजिक सीखना हो, चाहे डांस सीखना हो, चाहे गेम्स खेलना हो, चाहे किताबें पढ़ना हो। जरूरी नहीं हर चीज़ फाइनेंशली आपके लिए बेनिफिट हो, कई चीज़ें हमारे लिए फाइनेंशली बेनिफिशियल नहीं होती हैं पर मेंटली और इमोशनली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। इसलिए आप दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसे निकालें जो आप जो काम आपको अच्छा लगता है, उन 30 मिनट में आप वो काम जरूर करें। चौथी बात बहुत जरूरी है, आप अपने दिमाग को ना पास्ट में दौड़ाएं ना फ्यूचर में दौड़ाएं, बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करते रहें कि आपका माइंड आपका मन प्रेजेंट में रहे, आप वर्तमान में रहें, आप वर्तमान से जुड़े रहें। आप जितना वर्तमान से जुड़े रहेंगे उतना ही आपका माइंड स्टेबल होगा, स्थिर रहेगा। जितना अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में दौड़ाएंगे उतना ही आपका माइंड अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने मन को वर्तमान में लगा करके रखें। पांचवी बात, आप रोज एक्सरसाइज करें और अच्छा फूड खाएं, अच्छा खाना खाएं। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपको शरीर ठीक होने, आपका शरीर ठीक होने लगता है और शरीर ठीक होने से उसका असर मन पर भी आता है, आपका मन भी ठीक होने लगता है। और साथ में आप अच्छा भोजन खाएं, आप वो फूड खाएं जो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो। जब आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक आहार मिलता है, उससे आपका शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। छठी बात, आप उन लोगों के संग में रहें, उन लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, जो आप में हमेशा कुछ अच्छा देखते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, आगे ले जाएं, जो आपको पीछे खींचते हों, जो आपकी कमियां निकालते हों, जो आपको बुरा समझते हों, उन लोगों से आप खुद को दूर कर दें और उन लोगों के संग में रहें जो आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, जो आपके मन को खुशी देते हैं। सातवीं बात, आप अपने सोने का टाइम फिक्स कर लें। जो लोग कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, उन लोगों को आगे चलकर कोई ना कोई मानसिक बीमारी हो ही जाती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं पर यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें समझना चाहिए। जो लोग रात को जल्दी सोते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं, वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से देर से सोने वाले और देर से उठने वाले की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, मन से भी और तन से भी। आपकी नींद का आपके शरीर पर और मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपना टाइम फिक्स करें, अपने सोने का भी, अपने उठने का भी। अगर ये सातों बातें आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, नियमित रूप से इनका पालन करेंगे, तो विश्वास रखना बिना किसी मेडिटेशन के, बिना किसी दवाई के, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आप ज़्यादा बेहतर और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो मेडिटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जो डिप्रेशन के सीरियस मरीज हैं उनका मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है, जिससे मेडिटेशन उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। हाँ, अगर कोई इनिशियल स्टेज पर है, शुरुआती स्टेज पर है उसे शुरुआती स्टेज पर है तो ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जिनको डिप्रेशन की तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें सुसाइड की थॉट्स आने लगते हैं, मरने के ख्याल आने लगते हैं, इस ज़िंदगी को जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं, जो इस तरह के विचार रखते हैं उन लोगों को ध्यान या मेडिटेशन करने से बल्कि निगेटिव इफेक्ट होगा। लेकिन नॉर्मली हर इंसान को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, उसके काउंटलेस फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं आपको उससे। सिर्फ डिप्रेशन के सीरियस मरीजों को छोड़ करके हर इंसान को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी मानसिक बीमारी
बीमारी आपको आपकी ज़िंदगी में कभी भी ना लगे। जो लोग इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ स्टाइल बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना लेते हैं जो उनसे कभी अलग नहीं होता, ऐसे लोग दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। अगले वीडियो में डिप्रेशन की कुछ और बातों के साथ आते हैं। आपका आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सखा। चैनल को यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।